बीजेपी ने करीबन 85 जगहों पे अपने प्रत्याशी क्यों के नाम जारी कर दिए हैं, कांग्रेस की सूची नहीं आई है, लेकिन जो दूसरी सूची आई है उसको लेकर क्या कहना है, इसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव हैं। सर, सूची को लेकर क्या कहेंगे? कौन दो टीमें सामने खेलेंगी, ये टीम चयन के बाद स्थिति सामने आती है। तो हम लोगों को ये मौका मिला है कि सामने वाली टीम को पहले देखने का अवसर मिल गया है कि कौन कौन उतरेंगे मैदान में। अवसर बनाए रखा, और कह सकते हैं आप लोगों ने, जी आप लोगों ने अवसर बनाए रखा कि दूसरी टीम। यहाँ बात स्पष्ट थी कि कुछ हमारे वरिष्ठ साथियों के मन में एक संवेदनशील भावना थी कि पितृपक्ष में सूची नहीं आनी, तो मुख्य कारण वही था कि पितृपक्ष अभी भी लगा हुआ है। जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है, मेरे ख्याल से 13 तारीख को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है, तो उसमें छत्तीसगढ़ के कम पहले जो 20 सीटें हैं पहले राउंड के, ये तो 100% आ जाने चाहिए। 13 हो 14 हो, तारीख मैं नहीं कह सकता क्योंकि समय भी कम है, उनकी 7 तारीख को वोटिंग है और साथ में और नाम भी आ सकते हैं, अगर स्क्रीनिंग कमेटी से नाम जाते हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो अभी आप ये मान के चलते हैं कि जो दूसरी सूची देखने के बाद भी, क्योंकि ज्यादातर जो कांग्रेस के लोग हैं वो खुशी जता रहे हैं कि उनको लगता है कि एक तरह से वॉकओवर ही मिल गया है, तो क्या आप ये मान के चलते हैं? वॉकओवर तो कभी नहीं मानना चाहिए, उपस्थिति रहती है, दोनों पार्टियों की अच्छी उपस्थिति है राज्य में। सरकार ने इस बार काम काफी अच्छा किया है मेरे नजर में, और वो कांग्रेस के पक्ष में वजनी पड़ेगा। दोनों टीमें हैं, दोनों टीमों में लोग हैं अच्छे खेलने वाले हो सकते हैं, लेकिन जीतेगा कौन, ये वाली पिच मेरे को लगता है कि ये कांग्रेस के पक्ष वाली, कांग्रेस के पक्ष वाली पिच है। पुराने चेहरों पे फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है, तो क्या आप उसको किस तरह से देखते हैं? हालांकि पूरे समय अगर हम बात करें तो करीबन साल भर बीजेपी में ये जरूर चर्चा रही कि नए और युवा चेहरों की भरमार रहेगी, और लेकिन हालांकि उन्होंने भी 43 करीबन जो है वो नए चेहरों को मौका दिया है, तो क्या आपके सामने भी एक चुनौती बनती है नए चेहरों को मौका देने की? क्योंकि आपकी दिक्कत तो होती है, हमेशा दिक्कत होती है, जो साथी हैं उनमें से नया पुराना करना एक कठिन निर्णय होता है, इसमें दो बात नहीं है। फिर भी प्रयास है कि निष्पक्ष, यथासंभव जितना निष्पक्ष आदमी हो सकता है, निष्पक्ष होके जो सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे के आधार पे जो बेस्ट चांस जिनका है उनको देना, चाहे वो नए हों, चाहे पुराने हों, चाहे महिला हों, चाहे युवा हों, जिनके जीतने की सबसे अच्छी संभावना होगी। सर, ये कहा जा रहा है 50 सीटों पर सिंगल नाम होंगे, सिंगल नाम तो 90 पे होंगे लेकिन अभी तो ये एकदम तय हो गया एक तरफा की 50 पे, आंकड़ा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानना चाहिए अब तो एडवांस स्टेज हो गया चयन की प्रक्रिया का, और प्रदेश इलेक्शन कमेटी तो एक सीढ़ी है, उसके ऊपर स्क्रीनिंग कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी से जब नाम जाएंगे तब संख्या पता चलेगी। सर, कल मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि केवल महज 19 दिन का समय बचा है, और वाकई अब एक प्रेशर तो है ही कि अब जल्द से जल्द नाम दिए जाएं, पर यह एक चर्चा भी रहती है कि जिनको लड़ाना है उन्हें इशारा कर दिया जाता है कि भाई आप मैदान पे उतर आइए, और वो उतर गए हैं। पार्टी तो काम कर ही रही है, संगठन काम कर ही रहा है, उनकी उपस्थिति उन्हीं के आधार पे तो चुनाव लड़े जाते हैं। व्यक्तिगत जो कैंडिडेट है उसका तो बहुत थोड़ा रोल रहता है, एक सीमित रोल रहता है, वो उपस्थिति पहले से ही बनी हुई है। अब उम्मीदवार के नाम जैसे ही आ जाते हैं, ये भी ऐसे नहीं होंगे जो पहली बार मैदान में उतर रहे हैं, 5 साल कम से कम इनने भी क्षेत्र में काम किया होगा, तो कोई नया चेहरा उस नाते मतदाताओं के लिए नहीं होगा, उन्हीं के बीच का कोई एक व्यक्ति, हाँ वो मतदाताओं के बीच में जो वरमाला पहना है। अच्छा सर, एक चीज और है कि जो साझा से उन्होंने रविंद्र चौबे जो मंत्री हैं उनके खिलाफ ईश्वर साहू को उतारा है, वो जो भुवनेश्वर साहू के पिता हैं जो बिरनपुर मामले में जिनकी हत्या हुई थी, तो क्या मानते हैं? और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इधर कवर्धा में विजय शर्मा को टिकट दी है, तो सांप्रदायिकता एक मुद्दा बनाएगी बीजेपी, इस तरह से मैसेज दिया गया है, ये तो उनका हथियार रहा ही है। जब से वो 2 सीट में सीमित हो गए थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में, तब से उन्होंने भावनात्मक मुद्दों को ही अपना आधार बनाया है, और समय के साथ मतदाता जागरूक भी होते जा रहे हैं। इसको हम लोगों ने सबसे ज्यादा कर्नाटक के चुनाव में देखा, जहां हनुमान जी को भी उतारा, केरल लेटर्स को भी उतारा, बहुत सारी चीजों को उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जागरूक मतदाताओं पर प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी वो इसको हथियार के रूप में, एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रविंद्र जी हमारे बहुत वरिष्ठ, बहुत सीनियर, बहुत अनुभवी
प्रतिनिधि हैं। मतदाता बताया सर, अभी अंबिकापुर पे कुछ भी नहीं, बीजेपी ने बचा पांच सीट बची है, एक अंबिकापुर भी है, पांच में एक है बचा के रखा है, तो आपको भी इंतजार है। हाँ, स्वाभाविक है कि रहता है कि कौन लड़ेंगे, देखने को रहता। तो ये है केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, और उनका कहना है कि बीजेपी ने जो सूची जारी की है उस सूची के मुताबिक कांग्रेस के लिए जो पिच है वो आसान है। हालांकि चुनाव है, उनका कहना है इतना चुनाव को लेकर कभी भी कोई बात, हमेशा चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि सूची देखने के बाद ये तो है कि हमें लगता है कि चीजें आसान है। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से कौन लड़ेगा ये भी देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। I don't know.